दोस्तों इस भाई साहब मिला है और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि सिक्योरिटी जो जॉब है उसको कैसे ज्वाइन ही करना पड़ता है, सैलरी वगैरह कैसा होता है। तो हम बात करेंगे, जो लोग भी इंटरेस्ट है बस कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो भाई आप सिक्योरिटी में काम करते हो, जी 5 दिन से हो गया? 5 साल 5 साल हो गया। ओके, कौन सा कंपनी है? मैं अभी जी फोर्स में करता हूँ। अच्छा, तो ये क्या क्वालिफिकेशन क्या लगता है इसमें? जी फोर्स सिक्योरिटी में आपको भर्ती होने के लिए कम एटलीस्ट आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छा और इससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है आपके लिए। अच्छा और थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और तमिल। ओके, जिस स्टेट में जाना है उसी लैंग्वेज कंपलसरी है ना? जी, ओके, और इसमें सैलरी वगैरह कैसे होता है? इसमें देखिए दो तरह का सैलरी आता है। एक तो है 12 घंटा का ऊपर जो काम होता है उसमें एक सैलरी आता है, अच्छा और जो 8 घंटा जो होता है हाँ, उसके ऊपर एक सैलरी आता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो कम से कम आपको 18,000 सैलरी मिलेगा। 18,000। ओके, जी, और आप अगर आप 12 घंटा में काम करता है तो आपको 26 से 25 हजार सैलरी मिलेगा। और अच्छा इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, जैसे ESI और 26 दिन ड्यूटी करना है आपको, हर महीने में 4 छुट्टी मिलेगा। अच्छा इसी तरह सब कुछ बेनिफिट मिलता है। PF मिलता है, हर अच्छा महीने में PF के लिए आपको 2,000 रुपया करके काटिंग होगा आपका। और इस ज्वाइनिंग करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा फिलहाल? ज्वाइनिंग करने के लिए आपको जो जाना है, हमारा ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे जाना है। हमारा जो ऑफिस है वो है IGP, वहाँ पे जाना है आपको। जाके ऑफिस में जाके हमारा फील्ड ऑफिसर सब लोग वहाँ पे ऑफिस में मौजूद है, उन लोग से बात करना है, उन लोग सब कुछ बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होता है इसमें? देखिए इसके लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी होता है वो एक तो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और जो चाहिए पुलिस वेकेशन रिपोर्ट चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए हाँ होगा, वो तो जरूर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वो भी चाहिए। वो तो कंपलसरी है ना। जी, इसमें ट्रेनिंग वगैरह की देना पड़ता है क्या? इसके लिए आपको 10 से 12 दिन का ट्रेनिंग होगा, और इसमें थोड़ा बहुत फीस लगेगा, जैसे कि लगभग 3,000 रुपया ऑफिस में आपको देना है। और उसमें से आपको जो 12 दिन का ट्रेनिंग होगा उसमें जो खाना पीना सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। और यूनिफॉर्म का पैसा? यूनिफॉर्म के लिए अलग से आपका 2,000 रुपया काटिंग होगा, लेकिन जो 2,000 रुपया आप देते हैं ऑफिस में आपका यूनिफॉर्म के लिए, जब आप ड्यूटी में रिजाइन करेंगे उसी टाइम पे आपको वापस मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। और इसमें आप खुश हो कि नहीं? मैं तो बहुत खुश हूं, क्या बोलूंगा। इसके लिए हमारा जो फैमिली लोग वो लोग भी बहुत खुश है, क्योंकि हम चेन्नई में रहते हैं भी, उनको महीने में थोड़ा बहुत पैसा भेजता हूँ और उन लोग बहुत खुश है। अच्छा, खुश है। अगर कोई ज्वाइनिंग करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा भाई जितना जल्दी चाहिए आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके काम कर लीजिए। अगर आपको जब तक दूसरा अच्छा वाला कोई कुछ जॉब नहीं मिल रहा है तो आप इसी जॉब में लगातार काम करते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा।